विभाग समाचार में सारे का स्वागत है। तुमने बता दूंगा पवन गिल और एक आज पंचकूला में गवर्नर का घेराव है। तो मैंने अभी से रास्ते में अमित बुरा मिल गए सामाजिक जनहित कल्याण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो इन गला आंदोलन ने लेकर बात करेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई, सारे भाइयों ने, सारे किसान भाइयों ने, सारे ने राम राम। आज के प्रोग्राम है पंचकूला में जाने लग रहे हो पूरा काफी। पंचकूला में भाई आज 26 तारीख है और 26 तारीख ने संयुक्त मोर्चा ने किसानों के लिए आह्वान किया था कि अपने अपने गवर्नर का घेराव करना और वहाँ पर ज्ञापन सौंपना, हमारे काले कानूनों को वापिस करो। और एक सबसे बड़ी सूचना है, सूचना के इतिहास है, लोग शायद कोई भूल भी गया हो लेकिन याद पाओगा, इसी 26 तारीख ने इंदिरा गांधी ने इस देश में एमरजेंसी लगाई थी। तो उस एमरजेंसी ने भी लोकतंत्र का अत्याचार किया था। उसी की याद में 26 तारीख को लोगों तक दोबारा याद दीवान खातर हमने वो दिवस बनाया है। वह हम गवर्नर ने जाके ने पत्र सौंपा। इस बात करा रही हरियाणा का डिप्टी सीएम अपना अपने किसान नेता भी कह रहा था इस आंदोलन का पहला जीव कड़िया ने कड़िया एक तो भी तरे रहा हो एक दो जगह आया है जो बहुत विरोध होया है वो नुक हुआ है। नुकलिया जितने भी किसान थोड़े बैठे नहीं बोल रहा मैं नुकलिया किसान को नहीं है नुकलिया हुए हैं जिसकी सरपंची का कीड़ा है जिला परिषद का मतलब चुनावी कीड़ा है। तो फिर कीड़ा क्या होती भाई, चुनाव हमारे वोट हमारी ताकत हमने तो दे के छिक लिए तारा सारा मेरा पट लिया कांग्रेस का भी बीजेपी का भी जेजेपी का भी मगर खुद के नेता खड़े कराने खुद के वोटों से खुद की सरकार बनावाने हमारे कानून अपना आप लिखा गया चाहे सरकार किमे काले चाहे दुष्यंत किमे काले हो ये जोड़ी भी मांड के अंडा ही नहीं करता। ये जब इसने कौन सोचा मैं राजनीति के करना था के नहीं करना, संसद में चला गया ट्रैक्टर पर बैठ के ना एक ट्रैक्टर की उसने इज्जत खानी मेरा ट्रैक्टर कौन चलावा है क्या चलावा है। इसलिए भाई जो कुछ कह रहा है सोच समझ के बोल नहीं ऐसा हाल कर देंगे तेरे किसान घर तो गए इस देश छोड़ के ना बाहर जाना पड़ेगा। ये विजय बात करा बीजेपी सरकार की सेंटर में बैठी उसकी भी और साथ में एक दो संगठन है तो ये आंदोलन में कोई तो जाति हजार को फलानी कास्ट के जाति विशेष का नाम ले गए थोड़े ये बैठे इनकी आईटी सेल भी इन्हें कोई जवाब देना चाहोगे? बिल्कुल भाई, ये किसान आंदोलन नहीं रहा है कि ना एक जन आंदोलन बन रहा है और यहाँ पर हर व्यक्ति हर किसान अपनी मन भावना से लगा हुआ है। कोई जातिवाद का जहर फैला लो कोई असर नहीं करने वाला, सरकार के सारे खतरे फैल हो लिए। 26 जनवरी ने आतंकवादी खालिस्तानी कहा कर दे फिर भी हमने आंदोलन ख़त्म नहीं होने दिया, उससे भी ज़्यादा जो उसके साथ माँ का बैठा के लेके आए हाँ सरकार कितने कामयाब की ओर बढ़ लो नाकामयाबी मिलेगी सरकार में। तो ऐसा कुछ भी चाल चल लो सरकार किसान अपना अपने फूट फूट के रहें कड़िया भी लठवा जो आगे पाओ तो और मनीषा निशा पूरी तारी सामाजिक जनहित कल्याण समिति की टीम रंजीत सिंह से एक तो पहले जो बैठे अंतिम सांस तक की ये विषय को नहीं कर के नुकू निकल देंगे तारा पहले डांडो छुटा गया और काम भाई करके तो कौन है लेकिन फिर इस चीज़ का फायदा तो बोले इब जब उल्टे हट गए तो आंदोलन ऐसा आने वाली नस्ल हम के जवाब देवे वे कहो रे बेकार तौर तुम अपने तौर तुम मौका है सरकार का विरोध करने लग रहे हैं अगर ये कानून लागू हो गए तो लोग गुलाम हो जाएगा कोई आवाज़ नहीं उठा पाओगा दुनिया भूखी मर जाएगी अनाज हजारों का भाव में मिलेगा इसे गरीब गरीब आदमी कोई पेट भर के नहीं सोना पाओगा। इसलिए भाई जेल का तक के डरना है आंदोलनकारी और समाज सेवक खतर तो जेल एक घर है आराम करने खतर जागरण जेल में आंदोलनकारी जाते हैं। धन्यवाद भाई। तो भाई आप एक पूरा थे सामाजिक जनहित कल्याण समिति के रही सीधा सीधा कह ना जेल का डर लगता ना सरकार के लठ डंडिया का डर लगता नुबला डर हाँ तो नुबला जो आगे आने वाली नस्ल अगला होगा हो सके है उसका डर हाँ उसे इतना डर दे यू आंदोलन में जितना हो सके अच्छा नुबला जहन चली जाओ उसका भी कम नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करने का काम करियो और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आगे आगे बढ़ाने का काम करियो। जय जवान जय किसान।